इस विधानसभा चुनाव में युवा को उतारना चाहिए कि बुजुर्ग को उतारना चाहिए? जो ज़्यादा भागीदारी लिए हैं, जिसका ज़्यादा पॉइंट आएंगे, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, उतना भी बुजुर्ग नहीं जो 40 साल से ऊपर है, जोश व खरोश के साथ बोलने जानते हैं, अपनी बातों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सामने अच्छी तरीके से रखने जानते हैं। बीजेपी से आए, आसू से आए, कांग्रेस से आए या झारखंड मुक्ति मोर्चा से है, आपका सम्मान है। आप कोई भी पद में हो, वो पद को छोड़कर अगर हमारे संगठन में आइएगा तो आपको निराश नहीं किया जाएगा। हाँ, सभी युवा एक साथ जुड़कर काम करेंगे और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और कोहराम मचाएंगे, झारखंड को नवनिर्माण करेंगे। जोहार, नमस्कार, और आप देख रहे हैं झारखंड की बात, और ये देख सकते हैं जो कि मेरे साथ अभी दादा मौजूद हैं। दादा, आपका नाम क्या हुआ और क्या पद मिला है दादा आपको? वाहिद हुसैन, और मेरा पद है युवा मोर्चा के केंद्र संगठन मंत्री, जो हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कुश महतो जी है और टाइगर जयराम महतो की पार्टी JBKS JLKM के एक पार्ट भी हैं हम लोग। और युवा हम लोग एक जोश व खरोश के साथ हम लोग उतरे हैं झारखंड में, पूरा झारखंड प्रदेश में कोहराम मचा दिए हैं। दादा, आज जो यहाँ पे क्या कुछ हुआ, किस तरह का? अभी आज हम लोग बोकारो जिला का, युवा मोर्चा बोकारो जिला का विस्तारीकरण रखे थे दीपांजलि पैलेस चास में, जहाँ की ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में युवा आए और हमारे हमारे मार्गदर्शन भी आए सभी मोर्चा के लोग, और हम लोग का साथ बने, जिसमें हम लोग युवा मोर्चा के विस्तारीकरण किए, जिसमें कि जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, महासचिव और अन्य सभी पदों के लेकर हम लोग कलेक्शन किए हैं फॉर्म, जो कि 2 से 3 दिन में उसे रिलीज़ किया जाएगा और वो कुश महतो के द्वारा उसको इशू कर दिया जाएगा। अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, नज़दीक में है, अभी किस तरह से अभी क्या कुछ तैयारियाँ चल रहा है? अभी हम लोग पूरा झारखंड में पहले जिला अध्यक्ष, जिला विस्तारीकरण, सभी मोर्चा मेन मोर्चा के जिला विस्तारीकरण हो गया है, लगभग हो गया है। उसके बाद प्रखंड विस्तारीकरण भी हो गया है, उसके बाद युवा मोर्चा का जिला विस्तारीकरण होने का शुरुआत हो गया है, और जबकि युवा मोर्चा को हम लोग प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड स्तर, उसके बाद पंचायत स्तर, उसके बाद बूथ स्तर तक भी पहुँचेंगे और सभी युवा एक साथ जुड़कर काम करेंगे और टाइगर जयराम महतो को सीएम बनाने की पुरजोर कोशिश करेंगे और कोहराम मचाएंगे, झारखंड को नवनिर्माण करेंगे। दादा, आप युवा युवा का बात कर रहे हैं, तो अभी विधानसभा चुनाव आ रहा है, क्या लग रहा है इस विधानसभा चुनाव में युवा को उतारना चाहिए कि बुजुर्ग को उतारना चाहिए, क्या आपका विचार क्या है? देखिए, जो हमारे टाइगर जयराम महतो का आदेश है, जो क्रिटेरिया बना हुआ है, उसमें जो ज़्यादा भागीदारी लिए हैं, जिसका ज़्यादा पॉइंट आएंगे, चाहे वो युवा हो या फिर बुजुर्ग हो, उतना भी बुजुर्ग नहीं जो 40 साल से ऊपर है, जोश व खरोश के साथ बोलने जानते हैं, अपनी बातों को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के सामने अच्छी तरीके से रखने जानते हैं, और पूरा झारखंड को, झारखंड के जन समस्याओं को समझते हैं, सभी मुद्दों को समझते हैं, विस्थापन नीति, नियोजन नीति, उसके बाद 1932 खतियान, हम लोग का जो टाइगर जयराम महतो के विचारधारा है उसको पूरी तरीका से जानते हैं, 2 साल का आंदोलन, भाषा आंदोलन से जो शुरू हुआ है और वहाँ से जो दर्द झेले हैं, उन्हीं को मिलना चाहिए, मेरा व्यक्तिगत। जो अभी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, दूसरा पार्टी से अभी आ रहे हैं टिकट के लिए, और कुछ दिन पहले भी जो शामिल हुए हैं, क्या लग रहा है उनको मिलना चाहिए कि जो JBKS में शुरू से जुड़े हुए हैं उनको ही मिलना चाहिए? देखिए, जो आए हैं उसका भी हम लोग सम्मान करते हैं, जो पहले से भी है वो भी एक सम्मान है। ये JBKS एक विचारधारा है, इसमें अभी भी आप BJP से आए, आसू से आए, कांग्रेस से आए या झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए, आपका सम्मान है। आप कोई भी पद में हो, वो पद को छोड़कर अगर हमारे संगठन में आइएगा तो आपको निराश नहीं किया जाएगा। हाँ, कुछ कमी हो सकती है कि आपको तुरंत केंद्र कमेटी आपको टिकट नहीं दे, उसके लिए कोशिश करना पड़ेगा, उसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, और जो संघर्ष किया है उसी को मिलेगा टिकट या उसी को मिलना चाहिए। जोहार दादा, नाम क्या हुआ दादा आपका? पवन राजवार। और कौन सा पद में है दादा? जिला सदस्य। जिला सदस्य, क्या लग रहा है, देख रहे हैं दादा जिस तरह से युवा अभी सामने में आ रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार चुनावी स्तर में जिस तरह से उतरने वाले हैं, तो क्या लग रहा है कि विधानसभा चुनाव अभी जीत पाएंगे अभी कि नहीं, कि उसी तरह लोकसभा जैसा हो जाएगा?
जैसे युवाओं को जोड़ने का बात है तो युवाओं को यही संदेश हम देना चाहेंगे कि झारखंड में आज 40% खनिज और झारखंड का युवा दिल्ली मुंबई गुजरात क्यों जा रहे हैं पलायन करने, जो कि नहीं होना चाहिए। इसके विषय में झारखंड सरकार को सोचना चाहिए, जो कि झारखंड सरकार नहीं सोच रही। चलिए दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार जोहार।